क्वेश्चन फर्स्ट, थ्योरी तो खत्म कर दिए थे पिछले वीडियो समय, थ्योरी बता दिए थे, जो आपका सिलेबस है उसका सारा थ्योरी बता दिए थे, टाइट्रेशन का सिर्फ छोड़ दिए थे जो एडवांस का सिलेबस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के बीच टाइट्रेशन करके कंडक्टिविटी निकाला जाता है, मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, ये सब, और एक ऐसा होता है जो प्रिसिपिटेट देता है, तो फ्री आयंस जैसे जैसे मिलेगा उसका ग्राफ वैरी करता है, वो मैं छोड़ दिया हूँ, रेस्ट आपको सब बता दिया। ये जो भी सवाल पहला कर रहे हैं इसको सवाल भी समझिए, थ्योरी भी समझिए, सवाल भी है ये थ्योरी भी। इस तरह का सवाल मेन में, एडवांस में, नीट में, सब जगह बहुत बार आ चुका है, तो इस सवाल को थ्योरी भी समझेंगे और सवाल भी समझेंगे। देखिए क्या है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कॉपर प्लस टू से जीरो हो गया है एंड कॉपर प्लस टू से प्लस वन गया, आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर प्लस से जीरो हाफ सेल। जब भी आपको हाफ सेल का पूछेगा या सारा एलिमेंट एक ही तरह का दे दे, तो आपको बताए थे कि ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट करना है, ऑल आर रिड्यूस्ड फॉर्म, इसमें नहीं करना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, 0.184, 0.827, 0.521, 0.49। देखिए इसमें क्या बनेगा, कैसे इसको थ्योरी भी समझिएगा। जब सभी सेल एक ही तरह का दे, पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, गिवन डेटा, तो गिवन डेटा आपका कॉपर प्लस टू से दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आरपी दिया हुआ है, प्लस 0.337 वोल्ट, 0.33 दिया हुआ है सवाल में। दूसरा जो दिया हुआ है प्लस टू से एक इलेक्ट्रॉन गेन, मैं पहले वो लिख रहा हूँ ना जो गिवन है, ये दिया हुआ है, इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस 0.153 वोल्ट, ये दिया हुआ है। रिक्वायर्ड क्या है, हमें चाहिए क्या, रिक्वायर्ड है हमारा ये कॉपर प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए और कॉपर में जाना चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए, इस हाफ सेल के लिए हमें चाहिए, ये चाहिए। इसमें देखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको सेकंड, तो सेकंड वाले को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या, ये चाहिए कॉपर प्लस से जीरो चाहिए, तो सेकंड वाले को यदि रिवर्स करेंगे तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, सेकंड वाले को रिवर्स इसलिए करेंगे क्योंकि ये कॉपर प्लस इधर आ जाएगा। तो पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, फिर जो जो कहता है वो कीजिए। अब देखिए, जब तीनों सभी एक ही तरह का सेल हो, मोटा मोटी याद रख लीजिए, जब सभी एक ही तरह एलिमेंट का दिया हो सारा को, तो उसको हाफ सेल कहते हैं, और हाफ सेल में कभी भी पोटेंशियल नहीं जोड़िएगा। हेस लॉ कहता है पोटेंशियल नेवर बी एडेड इन हाफ सेल रिएक्शन, पोटेंशियल तब जोड़ा जाता है जब नेट सेल रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, जब एक एलिमेंट कैथोड पे हो और दूसरा एलिमेंट एनोड पे हो। कॉपर ZN का लेते हैं, कॉपर सिल्वर का लेते हैं, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट का हो तब राइट माइनस लेफ्ट कीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही सवाल बनाएंगे। थ्योरी यही करता है कि जब एक सेल एक ही तरह का सब सेल हो तो वहाँ पर इनर्जी को जोड़ते हैं, गिब्स इनर्जी को जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। तो हेस लॉ कहता है कि आप इनर्जी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो जब भी आपको एक ही तरह का सेल दें, जैसे आयरन का दिया रहेगा, कॉपर का दिया रहेगा, या सिल्वर का दिया रहेगा, या MN का दिया रहेगा, या मैग्नीज का, आप अपने सुविधा के लिए सभी का एनर्जी ले लीजिए, कभी गलती नहीं होगा, गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे राइट माइनस लेफ्ट कीजिएगा तो गलती होगा। तो इसमें हम एनर्जी नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे सबका, ये इसमें हम ई राइट माइनस लेफ्ट नहीं करेंगे, इसमें हम एनर्जी जोड़ेंगे। अब देखिए इसको रिएक्शन, इसको रिवर्स करते हैं, क्यों रिवर्स करना है, क्योंकि कॉपर प्लस वन इधर लाना है, ऐसे ये रिवर्स किए तो ये हट जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको रिवर्स किए तो ये भी माइनस, अब ये वहां पर हो जाएगा ओपी,
ऑक्सीडेशन प्रोटीन्स। अब ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो एक से एक इलेक्ट्रॉन कटेगा, एक से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आगे इक्वेशन इस तरह, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में दो है, इस प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है, और इस प्रोसेस में भी एन का वैल्यू एक है, वेरियन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इसका गिब्स एनर्जी लेंगे तो डेल्टा जी डिग्री वन माइनस एन एफ ई डिग्री वन कर लेते हैं इसको, इसके लिए टू कर लेते हैं, सेकंड है तो माइनस एन एफ ई डिग्री सेकंड। इसमें आप एनर्जी लेंगे तो ऑक्सीडेशन रहेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखिएगा, रिडक्शन है तो रिडक्शन, और इसके लिए ई डिग्री सेल हमें लाना है तो इसके लिए हो जाएगा डेल्टा जी डिग्री आर रिएक्शन। तो डेल्टा जी डिग्री रिएक्शन बराबर होगा, ऐड किए हैं तो एनर्जी में भी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, तो जोड़ देंगे एनर्जी, यही बात है एनर्जी जोड़े। अब इसके लिए जो डेल्टा जी है माइनस एन एफ ई डिग्री सेल, माइनस एन एफ ई डिग्री सेल लाना है आपको, माइनस एन एफ ई डिग्री वन प्लस माइनस एन एफ ई डिग्री, इसको सेकंड माने इसको फर्स्ट, एफ तो सबका कैंसिल फराडे है। अब यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू एक है, ई डिग्री सेल माइनस, यहाँ पर इनका वैल्यू देख लीजिए दो है, इंटू 0.337। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस और एक माइनस, ये माइनस में एक बार, और माइनस वन इंटू माइनस 0.5153, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ई डिग्री सेल ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इंटू 0.337 और प्लस 0.153, ये तो प्लस ही है, ये लगभग 6 से कुछ ज़्यादा होगा, अप्रॉक्स भी देखेंगे तो 3×6 से कुछ ज़्यादा होगा, और 6 से कुछ ज़्यादा होगा उसमें से घटेगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये प्लस में, तो घट के भी 5 से ऊपर ही रहेगा, तो ऑप्शन से देख लेंगे ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, पांच वाला हो जाएगा, क्योंकि दिखने में लगता है 3×6 से ऊपर ही है, उससे कुछ घटेगा, तो इधर भी तो कुछ वैल्यू है तो 5 से तो कम होने वाला नहीं है, तो ये मैं ये प्रॉक्स भी ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ई डिग्री सेल इक्वल्स टू माइनस 0.521 वोल्ट, माइनस से माइनस गया तो प्लस में आ जाएगा। ये इस तरह का सवाल सब जब भी मिलेगा तो आप एनर्जी जोड़ेंगे, यही थ्योरी है, ये थ्योरी होता है, आप किसी भी सवाल पे थ्योरी अप्लाई करेंगे, ये थ्योरी है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट थ्योरी नहीं है। आप जोड़ के देख लीजिएगा, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई, 7×14 = 4×8 = 8, 3×6 = 7 और 3×6 = 6, ऐसे भी आप कर सकते हैं 674, और 674 ये घटेगा तो लगभग 5 ऊपर ही रहेगा, ये माइनस में आएगा, माइनस 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 3 डिग्री से पॉजिटिव, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सवाल थ्योरी भी समझिए, तो जब भी आपको सभी एक ही तरह का एलिमेंट दे दे, इसको हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं, और हाफ सेल रिएक्शन में ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट नहीं करना है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड नहीं करना है, इस जगह पे आप हमेशा एनर्जी लीजिए, आपका सवाल हमेशा ठीक रहेगा, आप हमेशा इस जगह पर एनर्जी कंसिडर कीजिएगा, आपका रहेगा, कोई भी सवाल इस तरह का आप बना के देख सकते हैं, जब आप एनर्जी देते हैं ना वो सही चीज है, एनर्जी लेके बनाना बिल्कुल सही चीज है। मैं एक जो पहले बनाए हुए हैं वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए, ये राइट माइनस लेफ्ट करना थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो है कि गिव्स एनर्जी से चलिए, और इस तरह के सवाल नीट में इधर पिछले कई सालों से बराबर रखते हैं नीट में और मेन में, क्योंकि इसमें देखिए एक सवाल है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ,
ZN और कॉपर प्लस टू गिव्स ZN प्लस टू और कॉपर। इस तरह का सॉल्व है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है 0.76 वोल्ट। हमें ई डिग्री पूछ रहा है, ई डिग्री सेल बराबर यहाँ पर लिख देंगे, ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट, बोथ आर टेकन इन रिड्यूस्ड फॉर्म, बताया ये सब बात, ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट कीजिए, लेकिन दोनों को किस फॉर्म में लेना है, रिड्यूस्ड फॉर्म, बोथ आर टेकन इन रिड्यूस्ड फॉर्म। 0.34 वोल्ट माइनस माइनस 0.76 वोल्ट, या जाएगा 1.10 वोल्ट ई डिग्री से। इस तरह का सवाल आप डायनेमिक से जब पढ़े तो बताए थे। अब इसी सवाल को हम एनर्जी से बना रहे हैं जो कि मेन थ्योरी है। तो देखिए हमको लाना ही है, तो ये लाना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये इक्वेशन लाने के लिए जेड एन गिव्स जेड एन प्लस टू, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे ओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो बताया हुआ है कि इसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब बोलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए प्रोडक्ट में ये, और फिर सेकेंड हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब आप इनर्जी कंसिडर करेंगे तो जो प्रोसेस हो रहा है वही वैल्यू रखना है, जैसे ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। अब देखिए इसका एन का वैल्यू 2 है, इसका भी एन का वैल्यू 2 है, तो इसका एनर्जी 1 और इसका एनर्जी 2, दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जेड एन प्लस 2 गिव्स जेड एन प्लस 2 कॉपर। अच्छा आप देखिए इधर भी प्लस 2 चार्ज है, इधर भी प्लस 2 चार्ज है, तो ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी 2 ही इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, क्योंकि 2 से 0 में जा रहा है, 0 से 2 में जा रहा है, किसी एक का देख लेना है कि 2 से कहाँ जा रहा है, 0 में, 0 से कहाँ जा रहा है, 2 में, तो 2 यहाँ भी। अब किसके लिए, डेल्टा जी रिएक्शन, तो डेल्टा जी रिएक्शन 1, मेन थ्योरी यही होता है, मेन थ्योरी यही है, माइनस एन एफ ई डिग्री सेल, माइनस एन एफ ई डिग्री प्लस माइनस एन एफ ई डिग्री, उसको 2 मानते हैं, एफ से एफ कैंसिल, आप देखिए सभी जगह एन का वैल्यू 2 नहीं है, एन भी कैंसिल हो जाएगा, एन भी कैंसिल, क्यों, क्योंकि सभी जगह इनका वैल्यू 2 है, देख लीजिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, माइनस ये माइनस ये आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट माने हैं तो कितना है 0.76 प्लस में वो प्लस, ये भी माइनस 0.34 वोल्ट, माइनस कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, ई डिग्री कितना गया 1.10। इससे भी वही आया, इससे भी वही आया, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट कब करना चाहिए, जब एलिमेंट दूसरे तरह का हो, एक कैथोड वाला एलिमेंट अलग हो, एनोड वाला एलिमेंट, कैथोड में कौन जा रहा होगा कॉपर, एनोड में कौन जा रहा होगा जेड एन, इस तरह के सवाल में आप राइट माइनस लेफ्ट कीजिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का माइनस कर लीजिए, कैथोड माइनस एनोड आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब एक ही तरह का दे दे तो आप इस तरह से नहीं करना है, तो इस तरह से करना है, यदि इस तरह के सवाल में भी थ्योरी लगा था तो थ्योरी यही है, लेकिन होता है शॉर्ट में बनाओ, इसीलिए इस तरह का सवाल आप बनाए थे डिग्री, तो आंसर तो इसका सेम आ जाएगा, लेकिन इससे पीछे वाला जो पहले वाला सवाल जो किए हैं उसका आंसर नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सभी एक ही है। तो जब एक ही तरह का दे दे, मैं एक दो सवाल और इस पर करवा देता हूँ, एक ही तरह का दे तो राइट माइनस लेफ्ट नहीं करना है, थोड़ा 2 मिनट टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन सवाल अच्छे से एग्जाम में बनना चाहिए, उसका इनर्जी कंसीडर कीजिए उसका। नेक्स्ट सवाल गिव है ई डिग्री प्लस 3 से 0 जा रहा है माइनस 0.036 वोल्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन प्लस 2 से 0 जा रहा है माइनस 0.439 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द चेंज, एफ ई प्लस 3 एक्वस लिखा रहेगा यहाँ पर, प्लस 3 एक इलेक्ट्रॉन गेन के एफ ई में जा रहा है, 2 में जा रहा है, ये सब लिख देगा एक्वस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विल बी तो देखते हैं। अब फिर देखिए जो गिव है ना उसको लिख लीजिए पहले, गिव है, गिव है डेटा है, गिव है क्या है,
Fe प्लस 3 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह का सवाल जब पूछेगा, जब सभी एक ही तरह का एलिमेंट हो तो टाइम तो लगता है। इसको रिडक्शन पोटेंशियल समझने के लिए आप लिख सकते हैं 0.36 वोल्ट, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। दूसरा है Fe प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, Fe प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बन रहा है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल पहले जो दिया हो ना वो लिख लेना चाहिए, फिर जो निकालना है। अब ये निकालना है हमें, रिक्वायर्ड तो हमारा ये प्लस 3 चाहिए या प्लस 2 है। तो पहला और दूसरा देखिए, ये सभी एक ही तरह का एलिमेंट है, तो ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट यदि कीजिएगा इस तरह से, ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं बनाना है। इसमें जैसे एक से तरह का सेल शब्द है तो इस जगह पे आप इनर्जी लीजिए, थ्योरी वही करता है, पोटेंशियल लेवर भी एडेड, इनर्जी में भी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, इनर्जी जोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, क्योंकि हमें प्लस टू उधर चाहिए तो रिवर्स करेंगे, तो ये रिवर्स होगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ओ पी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो Fe प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्स कर दिए इसको, दूसरा को रिवर्स कर दिए, दूसरा ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे, यहाँ से कैंसिल होगा एक बचेगा, Fe से Fe गया तो Fe प्लस 3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe प्लस 2 आ गया। यहाँ इनका वैल्यू देखिए 3, इसमें इनका वैल्यू 2, यहाँ इनका वैल्यू 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका गिब्स एनर्जी फर्स्ट और इसका गिब्स एनर्जी सेकंड मानते हैं, और क्या होता है वैल्यू, इसका गिब्स एनर्जी रिएक्शन का मानते हैं, तो सभी को जोड़ देते हैं, डेल्टा जी डिग्री आर, आर मतलब रिएक्शन, प्लस दोनों एनर्जी को जोड़ दिए, माइनस एन एफ ई डिग्री रिएक्शन मतलब सेल, माइनस एन एफ ई डिग्री वन प्लस माइनस एन एफ ई डिग्री सेकेंड, एफ को कैंसिल, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक स्टेप का अलग अलग है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कैंसिल नहीं होगा, रखना पड़ेगा वगैरह। पहला में वन है ई डिग्री सेल, दूसरा में देखिए यहाँ पर तीन, तो माइनस 3 आइए माइनस है, फिर यहाँ माइनस 0.036, फिर प्लस, फिर देखिए माइनस 2, माइनस 2 इन टू या प्लस में, तो प्लस हो जाएगा ये आपका, क्योंकि ये रिवर्स हो गया पहले नेगेटिव प्लस, तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, तो प्लस साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.439, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ई डिग्री सेल, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 0.036 माइनस 2 इंटू 0.439, देखिए ऐसे भी लग रहा है ये बड़ा है क्योंकि पॉइंट के बाद है बड़ा है, आइए माइनस में ही आएगा क्योंकि छोटा वैल्यू दिख रहा है, तो माइनस, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इसका वैल्यू 0.18 के आसपास आएगा, और माइनस 9 × 18 1, 3 × 6 = 7 और 4 × 8, तो ये ज्यादा आ गया पॉइंट में, ये जितना था ये घटेगा तो ये माइनस में ही आ जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस, आप देखिए ये 0.18 के आसपास है, 6 × 3 = 18, 3 × 9 = 10, आइए इतना है तो 7 से तो ऊपर ही होगा, आइए माइनस ई डिग्री से माइनस 7 से ऊपर देखिए, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि पॉइंट में पॉइंट तो इधर ही है, जीरो है नहीं, तो ये वाला हो जाएगा, तो 0.77 वोल्ट माइनस से माइनस गया, ई डिग्री सेल 0.0, ऑप्शन से भी आप पकड़ लेंगे कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है,
लेकिन इस तरह का सवाल को इसी से बनाना पड़ेगा। आप यदि ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट कर दें तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल था, इससे इसको घटा दे तो आपका आंसर नहीं आता। करना ही नहीं है, जब एक तरह का सेल देगा तो उस तरह आपको करना ही नहीं है, आपको एनर्जी ही कंसीडर करना है। आप नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें क्या गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शन Mn प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn जा रहा है कॉमा ई डिग्री, ये रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है -1.18 वोल्ट। अब देखिए दो से मल्टीप्लाई किए हुआ है, लिखने का तरीका है Mn प्लस थ्री, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn प्लस टू बना रहा है ई डिग्री प्लस 1.51 वोल्ट। द ई डिग्री फॉर 3Mn प्लस टू गिव्स Mn प्लस 2Mn प्लस 3 विल बी, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन। तो इस डिसप्रोपोर्शन, इससे पहले कॉपर वाला भी डिसप्रोपोर्शनेशन था, जो कॉपर ऐसे देख रहे थे ऐसे दो मोल लेके आप कॉपर और इस तरह से जो बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन से देखिए, इस तरह का ऑप्शन दे दिया है, ए में दे रहा -2.69 वोल्ट कॉमा द रिएक्शन विल नॉट अकर, नहीं होगा। दूसरा में -2.69 वोल्ट द रिएक्शन विल अकर, तीसरा में -0.33 वोल्ट कॉमा द रिएक्शन विल नॉट अकर, चौथा में -0.33 वोल्ट द रिएक्शन विल अकर। तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये इस तरह का चीज़ है। यदि डेल्टा जी डिग्री बराबर लिखते हैं तो माइनस एन एफ ई डिग्री सेल बताए हुए हैं, तो ई डिग्री सेल का वैल्यू यदि निगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ई डिग्री सेल का वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन विल अकर। तो सब तो निगेटिव ही दिख रहा है, सब तो निगेटिव ही दिख रहा है, तो जब भी होगा तो नॉट अकर वाला होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नहीं दे रहा है इसमें। तो देखते हैं, यदि निगेटिव आएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ये बात पहले बताया हुआ है। ई डिग्री सेल का वैल्यू आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, या ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर रखिएगा तो वो फिर डेल्टा जी निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव। तो देखिए इसका अब देखिए, ये भी सब हाफ सेल एक ही तरह का, ये लाना है हमें इससे, तो यहीं पर देखिए क्या करा, ये हमें चाहिए रिक्वायर्ड में, ये रिक्वायर्ड में चाहिए, तो इस सवाल को दो तरह से इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि तो तीन मोल चाहिए हमें तो माइनस इसको रिवर्स कर दिए तो टू Mn प्लस गिव्स 2 Mn3 प्लस और दो इलेक्ट्रॉन। अब ऐड करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये आ जाएगा 2 3 3 Mn प्लस 2 गिव्स Mn प्लस 2 Mn प्लस 3, ये आ गया हमारा रिएक्शन इस तरह से 3, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन था। अब यहाँ भी एनर्जी जोड़ सकते हैं, तो एनर्जी जोड़िएगा तो इस स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, इस स्टेप में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, तो यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही लेंगे, क्योंकि 2 का ले लीजिए, 2 का लीजिएगा तो इस तरह से ले लेना है, 2 का कंपेयर करना है इस तरह का, 4 है इधर, यदि 2 का लेंगे तो 6, तो 2 का चेंज है, तो सभी जगह एम का वैल्यू 2 ही लेंगे। ये सवाल ध्यान रखिएगा, एक कंफ्यूजन सवाल है, तो सभी जगह एम का वैल्यू 2 ही लेना है, जब भी इस तरह का चीज है तो 2 वैल्यू ले लेना है एम का। जैसे आयरन आपको, जैसे अभी देखिए Zn था, कॉपर प्लस 2 था, Zn प्लस 2 था, कॉपर था, तो इस स्टेप के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी 2, तो फाइनल के लिए भी 2, तो फाइनल के लिए भी 2 ही ले लेना है, फर्स्ट स्टेप के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के लिए 2, तो फाइनल के लिए भी 2। अब सब एनर्जी जोड़ दीजिए, एनर्जी डेल्टा जी डिग्री 1 कर लेंगे,
डेल्टा जी डिग्री 2 कर लेंगे और डेल्टा जी रिएक्शन, तो डेल्टा जी डिग्री रिएक्शन भी आप ला सकते हैं, माइनस माइनस कर दे जोड़ना है सबको, प्लस डेल्टा जी डिग्री सेकंड माइनस एन एफ ई डिग्री सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ वन प्लस माइनस एन एफ ई डिग्री सेल टू, एन एफ सब का कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ई डिग्री सेल इक्वल्स टू माइनस ई डिग्री वन प्लस माइनस ई डिग्री टू, माइनस ई डिग्री सेल माइनस फर्स्ट में देखिए माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा क्योंकि वो भी माइनस है, तो 1.18 वोल्ट प्लस अभी माइनस है और एक माइनस, तो इस एक माइनस उसका भी है, ये भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा 1.51, तो ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो लगभग 2.69 के आसपास आ जाएगा, 9 6, तो इधर माइनस ई डिग्री सेल, तो ई डिग्री सेल हमारा आ गया, ई डिग्री सेल निकालना ही पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई डिग्री सेल आ गया 2.69 वोल्ट। तो जब ई डिग्री सेल यदि नेगेटिव है तो डेल्टा जी डिग्री माइनस एन एफ ई डिग्री सेल, ये थ्योरी समझिए, सवाल प्रॉब्लम समझिए, माइनस और माइनस एन एफ ई डिग्री सेल और वैल्यू नहीं भी रखेंगे तो डेल्टा जी डिग्री वैल्यू क्या रहा है, पॉजिटिव, किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस विल नॉट अकर, तो इसमें आंसर क्या होगा, जिसका 0.2.69 वोल्ट और रिएक्शन विल नॉट अकर, तो इस तरह का भी चीज़ देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ होगा, जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा वही इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ भी ले लेना है, इस तरह की चीज में करना है, या तो आपको लगेगा 6 इधर भी 6 इधर भी नहीं है, पहला दूसरा का जो चेंज है वही फाइनल का भी चेंज है लेंगे, जैसे उस समय लेते हैं इस तरह का जब इक्वेशन सब देते, तो इस तरह का सवाल मिलेगा आपको, बहुत मिलेगा इस तरह का सवाल, सब इसी तरह बनाना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन R लैम्डा C एंड लैम्डा इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली, पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर ये है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा C एंड लैम्डा इन्फिनिटी इज गिवन एज वेयर द कॉन्स्टेंट B इज पॉजिटिव। तो ये देखिए इस तरह का सवाल एग्जाम में आ चुका है, डीवाई हकेल से बना लेंगे, आप लोगों को बताए थे जब कंडक्टिविटी पढ़ा रहे थे कि डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आर्हेनियस थ्योरी फॉलो होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डीवाई के लिए डीवाई और हकल, तो डीवाई और हकल के लिए देखिए ये इस तरह से हम लिखे थे जो टेक्स्ट बुक में भी ये मोलर में लिखे थे, मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस इधर ए बी जो लिखना है ए लिखे रूट ओवर सी लिखिए, वेयर ए इज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्स्टेंट, किसी ने छोटा बी लिख दिया ऐसे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्स्टेंट, किसी ने बड़ा कुछ भी लिख दे यहाँ पर जो भी लिखेगा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्स्टेंट, तो इस तरह का देखिए रिलेशन है कोई रिसीवल है, इसके जगह पर मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सी, इसके जगह पर लैम्डा माइनस बी, बी क्या होगा जैसे हम यहाँ पर ए लिखे हैं, ए क्या है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्स्टेंट, बी क्या है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्स्टेंट, तो इस तरह का सवाल रहता है आपको दे देगा, आपको लगे ये कहाँ से बनेगा, दिस इज डीवाई हकेल इक्वेशन, दिस इज डीवाई हकेल इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि NCERT टेक्स्ट बुक में इसका हम डायग्राम भी बताए हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन कीजिएगा तो देखिए कंसंट्रेशन किसका है ये NaCl का, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर पूरा का पूरा NaCl आयंस में चला जाता है ये वैल्यू जीरो, तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आपको बताया है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स जीरो इलेक्ट्रोलाइट का,
तब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डायलेशन, ये भी बताया, क्योंकि सी जीरो ये पूरा जीरो। इस तरह का सवाल पूछ लिया है, एकदम एनसीईआरटी का एक एक चीज बारीक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ द करंट एफिशिएंसी फॉर द प्रोसेस इज 50%। इस तरह का सवाल दिखने में डिफिकल्ट लगता है बहुत ज्यादा। देखिए नाइट्रोबेंजीन लेना है, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेगा एलिनिन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का निकालेंगे यहाँ पर तो +3 आ जाएगा, यहाँ पर अब निकालते हैं यहाँ पर आ जाएगा -3, निकाल के देख लीजिए कार्बन दो हाइड्रोजन यहाँ पर, तो -3 से +3 से -3 जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन का। अब होगा कि कैसे हम बता दिए ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब तो आप लोग को आना चाहिए, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन ये गया है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ये -1 और दो इलेक्ट्रॉन ये खींच दिया -2, ये भी -2 तो +4, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन ये तो +4 का नेट कितना हो गया +3 और यहाँ -3, तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है मतलब 6 परागे, जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना परागे। और नाइट्रोबेंजीन का मॉलिकुलर मास भी आप देख सकते हैं C6H5NO2 का, तो 72 + 5 + 14 + 32 ये सब जोड़ के देखिए शायद 123 आ जाएगा। तो देखिए 6 परागे सिंस वन मास दिया हुआ 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कितना फराड चाहिए, 6 फराड चार्ज, इसीलिए कितना दे रहा है 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन, तो 12.3 तो पॉइंट कितना गया 0.6 फराड, यदि भाग देंगे जा जाएगा ना 0.6 फराड, तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज आ गया 0.6 इंटू 96,500 ग्राम। ये आंसर नहीं है क्योंकि ये ओनली 50% है, ओनली 50%, ओनली 50%, क्यों, क्योंकि 50% की करंट एफिशिएंसी, ये जो चार्ज निकला है ये ओनली 50% है, लेकिन आपको शुरू का पूछ रहा है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज विल बी 0.6 इंटू 90 और 50% है, इसको 100 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करना है, ये सब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए टोटल चार्ज आ जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आ जाए वो भी आ जाएगा। ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओनली 50% है, क्यों ओनली 50% है, क्योंकि करंट एफिशिएंसी 50% है, हमें लाना है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज को 2 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि 100% आना है ना, हमें पूछ रहा है कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा, मतलब टोटल पूछ रहा है, जबकि बोल रहा है करंट एफिशिएंसी 50% है, मतलब 50% हीट साउंड के फॉर्म में वो लॉस्ट कर गया होगा, सिर्फ कितना परसेंट है 50%, हमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें क्वांटिटी टोटल लाना है, हमारा करंट एफिशिएंसी 50% ही है, ये जो आया होगा ये ओनली 50% है, हमें लाना है टोटल चार्ज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए गुणा भाग करके जो आ जाए चार्ज, इसमें पूछता पोटेंशियल दिया हुआ एनर्जी, तो पोटेंशियल दिया हुआ एनर्जी अब ला देते, इसी में पूछता है कि आप एनर्जी लाइए, तो एनर्जी भी ला सकते हैं, पोटेंशियल जैसे लेट पोटेंशियल 3 वोल्ट, सपोज कीजिए कि इसके लिए दे दिए लेट पोटेंशियल 3 वोल्ट, फॉर दिस प्रोसेस लेट पोटेंशियल 3 वोल्ट, पोटेंशियल तो एनर्जी लाना है, तो डेल्टा जी हो जाएगा माइनस एन एफ
ई डिग्री से एनर्जी लगा हमें, तो माइनस सिक्स सिक्स लाएंगे, क्यों सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन है, यानी मेजर 500 कूलम आई टू, इसका पोटेंशियल रख देंगे 3 वोल्ट और ये आपको इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल कोई भी आपको दे तो आप इसमें बना देंगे, आराम से बना देंगे। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी आएगा यहाँ पर चार्ज ये रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चार्ज हो जाता कितना का, ये तो चार्ज हो जाएगा टोटल 123 ग्राम का ना, ये टोटल चार्ज 123 ग्राम का है वो भी, लेकिन हमको कितना इतना ग्राम है, इतना ग्राम का टोटल चार्ज आया था इतना ओनली 50%, तो चार्ज ये रखना है, तो ये चार्ज नहीं रखना है, इसके जगह पर सीधा ये रख देना है डेल्टा जी डिग्री इक्वल्स टू माइनस 0.69। क्यों ऐसा रख रहे हैं, क्योंकि हमें 123 का नहीं लाना है, इसी सवाल में लाना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना, देन कैलकुलेट एनर्जी। तो हमें टोटल चार्ज तो आ चुका है 100% भी है 965 इंटू टू, ये हो गया पोटेंशियल, अब पोटेंशियल ये चार्ज हो गया ये कूलम, अब पोटेंशियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये हो जाएगा पूरा का पूरा जूल। इस तरह से देखना है ये कि करंट एफिशिएंसी कितना परसेंट है, नहीं है, इस तरह से आप देख के सवाल सॉल्व करेंगे। इस तरह का सवाल द ईएमएफ ऑफ सेल जेडएन से जेडएन प्लस टू जा रहा है 0.001 एम, ये सॉलिड है, इसका एक्टिविटी एक सॉल्ट ब्रिज है, ये 0.001 एम और ये सॉलिड है एट इतना इज, देखिए ये ई डिग्री सेल नहीं है, ये ध्यान रखना है सवाल में, ईएमएफ है, ये है ईएमएफ मतलब ई सेल दिया हुआ है, इसीलिए सवाल कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, इस तरह ऑप्शन आना है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के लिए आपको ई डिग्री सेल इक्वल्स टू बताए थे 0.059 अपॉन एन लॉग के, ये फॉर्मूला है। इस सवाल में ई डिग्री सेल नहीं दिया हुआ, यही गलत है, ये लाना है ई सेल दिया हुआ है, और टेम्परेचर यहाँ पर लिख दिया हुआ, उसे कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये ई सेल किसी भी टेम्परेचर पर होता है एट एनी टेम्परेचर एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो ई एम एफ दे रखा ही है, ये दिया हुआ है 0.2905 ई डिग्री सेल लाना है। तो इस तरह का जो सवाल रहता है ना, बस इसलिए किया है, इसको ई डिग्री सेल नहीं समझना है, जबकि लिखा हुआ है 298 कैल्कुलेटर पर, लेकिन किसका है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, ईएमएफ है मतलब ई सेल है, यही बात इस सवाल में ध्यान रखना है। ई डिग्री निकालो, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज कर दो, इस टर्म में लाना है जो कि और आसान है। फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन आपको मालूम, अच्छा इसको एक बार लिख लेंगे, तो ये जाएगा कैथोड पे और ये जाएगा ये सब ये एनोड पे जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन और ये कैथोड पे रिडक्शन। फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर गए थे, दोनों को जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन डन, तो रिएक्टेंट में ये सॉलिड का एक्टिविटी है, इसका एक्टिविटी दे रखा है 0.001 एम, गिव्स जेडएन प्लस टू इसका एक्टिविटी दे रखा है 0.1 एम और एफ ई सॉलिड इसका एक्टिविटी एक सॉलिड का एक्टिविटी है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में जेड एन क्योंकि इसका तो एक्टिविटी है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एफ ई प्लस टू इंटू वन। अब ये दे रखा हमें, ये दे रखा है आपको 0.0, ये दे रहा है 0.2950 ई डिग्री सेल यहाँ से लाना है हमें, माइनस 0.059 एन का वैल्यू 2 होगा, लॉग इसका वैल्यू देखिए 10 का पावर माइनस 2
इसका देखिए 10 का पावर माइनस 3 तो ऊपर चला जाएगा 10, लग 10 का वैल्यू 1, ये जाएगा ऊपर लग 10 का वैल्यू, इसको इधर लाते हैं तो e डिग्री सेल इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 प्लस, इधर आएगा तो प्लस 0.059 अपॉन 2, ये सब करके देख लो ये आ जाएगा, ये इसमें तो कुछ जुटेगा ही क्योंकि दो से भाग लग रहा है, कुछ जुटेगा यहाँ से e डिग्री सेल आ गया। अब हमें e डिग्री सेल मिल गया तो अब हम क्या ला सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। इस सवाल में सिर्फ ये देखना था कि ये e डिग्री नहीं है जिसमें बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए सवाल करवाए थे। e डिग्री सेल 0.059 अपॉन n log kc, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 0.0, ये सब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आ जाएगा आई थिंक 0.32 के आसपास आएगा, ये 0.059 अपॉन 2 log kc, इसको भी यदि भाग देंगे दो से तो दो दुना चार एक बज गया 19, नौ दुना अठारह तो लगभग 0.32 और 0.029 के आसपास आ जाएगा, 95 के आसपास, 2 टाइम्स एक गया फिर 5 टाइम्स log kc। अब इधर log 10 का पावर यदि इस पूरे को ले ले 0.32 अपॉन 0.0295 इक्वल्स टू log kc, log से log कैंसिल, kc इक्वल्स टू 10 का पावर 0.32 अपॉन 0.0295 ये आंसर। तो इस तरह के सवाल में, तो इस तरह के सवाल में आपको सिखलाया है, इस तरह के सवाल में आपको यहाँ पे e डिग्री का वैल्यू नहीं है। अब ऐसा नहीं कि लिख दिया है 298 केल्विन तो ये e डिग्री सेल का वैल्यू लेना है, e डिग्री 298 पर ही होता है, 25 पर ही होता है, लेकिन e सेल लिखा हुआ है इसमें EMF ऑफ द सेल, अच्छे से सवाल को पढ़ना है, ये EMF दिया हुआ था तो EMF जो होता है, E सेल जो होता है एनी टेम्परेचर एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो E को जोड़ने की उसी पर हम उसको कंसीडर करेंगे कि वही वैल्यू होगा। नेक्स्ट है देखिए, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल M है और M का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जीरो से प्लस वन जा रहा है ऑक्सीडेशन, और X ये माइनस है और X माइनस से जीरो जा रहा है रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, ये शॉर्ट ब्रिज है, ये जीरो से प्लस में जा रहा है माइनस से जीरो, ये ऑक्सीडेशन है ये रिडक्शन, ई डिग्री एम प्लस से एम रिडक्शन पोटेंशियल, एंड इसका भी देखिए जीरो से माइनस ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन क्यों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो या माइनस है। फ्रॉम दिस डेटा वन कैन डिड्यूस दैट, आप इस डेटा से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, चार ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट देखिए m प्लस एक्स गिव्स m प्लस एक्स माइनस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सेकंड है m प्लस एक्स माइनस m जीरो एक्स जीरो इज द स्पॉन्टेनियस, और थर्ड है e सेल 0.77 e सेल माइनस 0.,  ये दोनों तो नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करता है, क्यों नहीं होगा, e सेल है ये e डिग्री सेल है, ई डिग्री सेल बोलता है ना तो वो मानते भी ई सेल नहीं क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, मैं इसीलिए लिखा हुआ ये सवाल क्या हो कि ये ध्यान रखना है ई सेल है, ई डिग्री सेल दिया हुआ है यहाँ पर, ई डिग्री सेल आता तो बोलते भी ई सेल है, ई डिग्री सेल निकालने के लिए भी बोले ना नस्ट इक्वेशन निकल लेना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी देना पड़ेगा, तो सी और डी तो ऐसे ही चला गया, ए और बी में देखिए इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, देखिए जीरो जा रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां से मत देखिए ये तो ऐसे ही दे दिया है सेल आपको, यहाँ से एम का रिडक्शन हो रहा है एक्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सही बात है क्योंकि देखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, जिसका कम होगा अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो एम प्लस से ये जो रिडक्शन पोटेंशियल ये ज्यादा है और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल ये कम है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा रहेगा वो खुद को रिड्यूस करेगा और जिसका कम रहेगा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो बी सही है,
बी सही इसलिए है क्योंकि आप यदि ई डिग्री सेल निकालेंगे तो कैथोड पर ये जाएगा, यहाँ से मत जाइए, ये तो गलत है, ये तो ऐसे ही ट्रैप करने के लिए दिया है। कैथोड पर कौन जाएगा? जिसका वैल्यू ज़्यादा है। ये प्लस से जीरो जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, ये जीरो से माइनस जा रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो राइट माइनस लेफ्ट, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दीजिए, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे माइनस 0.33 वोल्ट। ये जो आ गया हमारा ई डिग्री सेल पॉजिटिव, ई डिग्री सेल हमारा पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी डिग्री सेल हमारा निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि अभी देखे थे माइनस एन एफ ई डिग्री सेल, ये यदि पॉजिटिव आ रहा है तो ये निगेटिव आएगा, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा सी और डी तो किसी कीमत में नहीं होगा क्योंकि ई सेल है, सी और डी ई डिग्री सेल नहीं है। इसको बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जब इस तरह का सवाल क्लास में होता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ई सेल नहीं है जब ई डिग्री सेल का बात का हुआ दिया हुआ है, तो ए और बी में देखना है तो ये तो होगा नहीं, ए क्यों नहीं, क्योंकि देखिए एम का हो रहा ऑक्सीडेशन है, इसका रिडक्शन, इसका हो रहा ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा वो ऑक्सीडाइज करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा वो रिड्यूस करेगा। इस तरह के सवाल सब बनाइए, इस तरह के सवाल बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आपको मदद मिलेगा इस तरह के सवाल सब।